Eu am logo no Mercedes problem puchi hai wo 5711 to bada sabse pehle question number 5 karte hain aap chinta mat karna bilkul bhi 5 mein aaya 13 2 into 3 ka square 13 2 into 3 ka square 3 into 3 ka square aur dot 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 phir aaya n into 3 ki power n is equal to aa gaya aapke paas 2n minus 1 और 3 की पावर n plus 1 plus 3 और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास 4 by 2n minus 1 3 की पावर n plus 1 ये आ गया. तो बेटा इसको सबसे पहले क्या डालते हैं समीकरण नंबर 1 और यहां क्या लिखते हैं pn. ये तरीका आपको बताई रखी n बराबर 1 का कार्यक्रम आप खुद ही कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है. तो मैं लिखूंगा सीधा बराबर n बराबर k रखने पर. जब आप n बराबर k रखेंगे तो n बराबर k रखने का जो प्रोसीजर रहता है वो है p k such that वही 13 2 into 3 का स्क्वायर और फिर आया आपके पास 2 into 3 के स्क्वायर के बाद क्या था भाई ये पांचवे में 3 into 3 का क्यूब plus dot 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 और भाई n के बदले आ गया k तो k into 3 की पावर k k into 3 की पावर k is equal to आ गया आपके पास 2k minus 1 और 3 की पावर k plus 1 plus 3 और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास 4. मुझे उम्मीद है यहां तक की बात बिल्कुल सबकी समझ आ गई होगी, कोई समस्या का विषय नहीं दिखाई दे रहा यहां तक मुझे. इस पे आप डालते थे समीकरण नंबर 2 और इस पे समीकरण 2 डालने के बाद आप लिखा करते थे यहां से यदि ये तो लाइन लिखते थे n बराबर k plus 1 पर कथन सत्य है तो क्या करेंगे. अगर n बराबर k plus 1 पर कथन सत्य है तब n बराबर k plus 1 रखने पर, ये तो लिखा करते थे भाई. तो n बराबर k plus 1 रखने के लिए आपको पता भाई k वाला मामला तो चुका, तो ही चले गए भाई. पहले आप k तक पहुंचेंगे तभी तो k plus 1 पे पहुंचेंगे क्यों भाई. तो यहां आपने लिखा p k plus 1 such that और ऊपर लिख भी दिया लेफ्ट हैंड साइड. तो ये बेटा k तक तो पहले जुगा तो चलना ही चलना है. 13 2 into 3 का स्क्वायर 3 into 3 का क्यूब है भाई, 3 into 3 का क्यूब है सॉरी, प्लस k into 3 की पावर k. उसके बाद भाई हमें 1 पर बढ़ाना पड़ेगा हर क्वेश्चन की भांति. तो जब इसमें 1 पर बढ़ाते हैं तो जो n वा पद होता है लास्ट वाला उसमें n के बदले k plus 1. तो बेटा लास्ट वाला जो पद है वो ये है n into 3 की पावर n. तो n के बदले क्या आ गया k plus 1 3 की पावर k plus. तो यहां जो आया आपके पास k plus 1 और 3 की पावर आ गया आपके पास k plus 1. मुझे उम्मीद है यहां तक बात सभी की समझ आ गई होगी. और ये बात भाई रटी रटाई चल रही पिछली वीडियो से क्या कि ये जो कार्यक्रम है कहां से रखते हैं इसका मान भाई, समीकरण 2 से मान रखने पर. तो जो बेटा समीकरण 2 से इसका मान रखेंगे आप तो आएगा 2k minus 1 3 की पावर k plus 1 और plus 3 और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास 4 और प्लस अलग से ऐड हो गया इसमें k plus 1 और 3 की पावर k plus 1 और बेटा पूरे के अपॉन में 1, जिसके अपॉन कुछ नहीं होता उसके अपॉन क्या लिख देते हैं 1. अब क्या करा हमने भाई, नीचे 4 एलसीएम ले लिया. तो जब हमने 4 एलसीएम लिया तो यहां आया 2k minus 1 और 3 की पावर k plus 1 plus 3 और प्लस 4 की इधर गुणा हो गया आपके पास 4 into k plus 1 और 3 की पावर k plus 1. तो मुझे लगता है बेटा इस 3 को तो आप सबसे पीछे छोड़ दें और इन दोनों को एक साथ लिख लें. तो जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम तो ये आ गया आपके पास 2k minus 1 plus 4k plus 4 और पूरे में से कॉमन आ गया आपके पास 3 की पावर k plus 1. सबकी समझ आ गया होगा भाई, 3 की पावर k plus 1 हमने कॉमन ले लिया है. यहां से देखो आप ये इस plus 3 को अलग छोड़ दो आप, ये plus 3 तो लिखा है इसकी कोई दिक्कत नहीं है. तो जब 3 की पावर k plus 1 कॉमन लिया यहां से 2k minus 1 बचा और यहां से कितना बचा 4k plus 4. तो बेटा पूरे के अपॉन में 4 है. अब इसको थोड़ा सा आप ठीक कर दे, 2k 4k हो गया 6k और प्लस हो गया आपके पास 3 और 3 की पावर कितना है k plus 1 plus 3 और पूरे के अपॉन में 4. बेटा कैलकुलेशन में थोड़ा समस्या आ सकती है, जैसे 6k plus 3 है तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया आपके पास 2k plus 1
और 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 और पूरे का पूर्ण में आ गया 4। बेटा गुणा में है 3 की पावर k प्लस 1 और 3, तो 3 की पावर एक और बढ़ गई, तो यहाँ आ गया फाइनली आपके पास 2k प्लस 1 और 3 की पावर आ गई k प्लस 2 प्लस 3 अलग से लिखा है पूरे के पूर्ण में 4 इक्वेशन नंबर 3। ओके अब आप यहाँ क्या लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, तो बेटा जब राइट हैंड साइड में मान रखेंगे तो आप रख लो 2k-1, तो 2k-1 में 2k प्लस 2 माइनस 1 हो गया और 3 की पावर n प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगी प्लस 3 और पूरे के पूर्ण में 4 वही नहीं आ रही भाई देख लो 2k प्लस 2 माइनस 1 का मतलब 2k प्लस 1 नहीं होता 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वेशन नंबर 4 समीकरण 1, 2, 3, 4 से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन सत्य है। बेटा 7 तो मैंने बता रखा पिछली वीडियो में, थोड़ा एक बार देखो जरा उसी को दोबारा आप लोग, क्योंकि अब थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग डेवलप हो गया, अब तुम इसको कर लोगे आसानी से, क्योंकि और भी क्वेश्चन कर लेंगे। बेटा दोबारा देखो उसी वीडियो का, नहीं होगा फिर पूछो कोई दिक्कत नहीं है। अब 11वां क्वेश्चन में लिख दूं जरा, 11वें में इसने दिया है 1/1, 2, 3 1/2, 3, 4 फिर दिया है 1/3, 4, 5 और उससे आगे जो दिया है इसने 1/4, और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 11वां भी, चलो n n+1 n+2 = आ गया n n+3 पूरे के अपॉन में आया 4 n+1 और n+2। ठीक होगी बात यहाँ तक, तो बेटा इस पे आपने समीकरण 1 डाल दी और यहाँ क्या लिख दिया आपने pn such that n बराबर 1 का कार्यक्रम तो आप खुद कर लेंगे, n बराबर k रखने पर, जब आप n बराबर k रखेंगे तो 1/4 11वें क्वेश्चन में 1/2, 3 1/2, 3, 4 1/2, 3, 4, 5 और प्लस में आ गया आपके पास 1/n n+1 n+2, तो इसका मतलब k k+1 और फिर आया k+2 = k k+3 यहाँ आया k k+3 upon 4 k+1 k+2 यहाँ आया 4 k+1 और k+2 इस पे डाल दिया आपने समीकरण नंबर 2। उसके बाद बेटा रटी रटाई लाइन है हमारी क्या, यदि n बराबर k पर कथन सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने इसकी, तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो p k प्लस 1 सच दैट, तो भाई जब p के आपसे लिख दूसरा p k प्लस 1 सच दैट, और भाई इसमें क्या होता है k तक का तो एज इट इज ही नोट होता है, एज इट इज का मतलब 1/2, 1/2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 और प्लस आ गया आपके पास 1/k k+1 k+2 k+1 k+2 प्लस। उसके बाद एक पद आगे बढ़ाते हैं, तो बेटा पद आगे बढ़ाने का तरीका रहता है जो nवां पद है उसमें आप n के बदले k प्लस 1 रख दें, तो आप लोग से भी अपनी अपनी किताब में देखें nवां पद है 1/n n+1 n+2, तो n का मतलब k+1 k+2 और k+3। ठीक है ये बात यहाँ तक। अब क्या करा हमने, ये जो मान है पूरा का पूरा, तो ये कहाँ से रखा हमने, समीकरण और रटी रटाई बात है 2 से मान रखने का, जब भाई समीकरण 2 से हम इसका मान रखेंगे तो इसका मान आ गया k k+3 और पूरे के अपॉन में आ गया 4 k+1 और k+2। उसके बाद प्लस इज नेक्स्ट है, इसको नोट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास k+1 k। बेटा बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होना इनमें बिल्कुल भी, आज तुम्हारी समझ में और अच्छा आएंगे, 2 दिन का रेस्ट भी मिल गया। अब भाई आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 4 k+1 k+2 k+3, तो एलसीएम लेने में 4 k+1 k+2 तो कैंसिल हो, k+3 की ऊपर गुणा होगी k k+3 और k+3 गुणा होगी भाई, और प्लस यहाँ k+1 k+2 k+3 तो है ही, यहाँ ऊपर होगी 4 की गुणा। ओके होगी बात यहाँ तक। अब आप इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा भाई, जो आपका ये हर है, हर तो झुका तो ही है भाई 4 k+1 k+2 k+3, लेकिन ऊपर थोड़ी सी गुणा, k तो है ही k+3 k+3 का होल स्क्वायर, तो k² + 9 + 6k और +4 अलग से, अब इस बाहर k की भी अंदर गुणा कर दो आप, तो जब भाई इस k की भी अंदर गुणा करेंगे
ते आएगा के क्यू प्लस 9k सिक्स के स्क्वायर प्लस 4 अपॉन हर में जो है उसको चुका तो लिख दो आप, फिर थोड़ा सा ठीक करो के क्यू प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपॉन दिस इक्वेशन नंबर आ गया थर्ड। अब बेटा आप राइट हैंड साइड में रख दे के प्लस 1, अब आप राइट हैंड साइड लिखे, राइट हैंड साइड में जब आप के प्लस 1 रखोगे एन के बदले क्या रखा आपने के प्लस 1 और यहाँ क्या रखा आपने के प्लस 4, नहीं हो गई के प्लस 1 के प्लस 4 देख लो आप राइट हैंड साइड में एन प्लस 3 था ना, तो भाई एन प्लस 3 का मतलब एन का मतलब के प्लस 1 और के प्लस 4 और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास 4 तो है ही एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 का मतलब के प्लस 2 हो जाएगा, एन प्लस 2 यानी के प्लस 3 हो जाएगा। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब आप देखो इसका हर मिला ऊपर वाले का 4k प्लस 2k प्लस 3 तो है, k प्लस 1 नहीं है, k प्लस 1 के नीचे भी गुणा कर ली, k प्लस 1 के ऊपर भी गुणा कर लिया आपने ताकि हर बराबर हो जाए। अब आप क्या करें k प्लस 1 कितना होता है k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और बाहर से गुणा है काहे की है इसमें k प्लस 4 की और हर तो मैच हो गया। अब के प्लस 4 की जब ऊपर गुणा करेंगे सेम हो जाएगा, आप करके देख ले कोई दिक्कत नहीं आएगी जरा सी भी। 13वें क्वेश्चन में से दिया है 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9 और ये दिया है 1 प्लस 2 एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर और एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली और एन बराबर 1 का जो कार्यक्रम वो आप खुद ही करेंगे 1 का कार्यक्रम, उसके बाद आप लिखेंगे एन बराबर के रखने पर, तो जब आप एन बराबर के रखेंगे तो पी के सच दैट 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9 डॉट डॉट डॉट, इस बार भाई सबके बीच में गुणा है इनके और यहाँ है आपके पास 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन और k स्क्वायर और फिर गुणा लगा अभी तक पद बढ़ाना नहीं इज इक्वल टू आ गया आपके पास n के बदले k प्लस, n के बदले k रखा तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर और समीकरण नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सभी की समझ आई होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 प्लस 2 के प्लस 1 अपॉन के, ठीक है मैच कर ले मैंने एक बार फिर से। अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे यहाँ से यदि n बराबर k पर कथन सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर, तो भाई जब n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर यहाँ पे k तक पे एजिटी जो उतारते हैं क्वेश्चन में, तो 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4 जो भी है, फिर आपने 1 प्लस 2k प्लस 1 और अपॉन में आ गया k स्क्वायर, बेटा k तक तो आगे एक पद और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक पद बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो भाई यहाँ से एन के बदले क्या रखते हो, के प्लस 1 रखते हो लास्ट पद में, ये तो होता है फिलहाल, तो क्या लिखा है 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, अब एन के बदले के प्लस 1 रखेंगे तो हो जाएगा एन के बदले के प्लस 1 रखेंगे तो 1 प्लस तो है ही ऊपर 2 एन प्लस 1, एन प्लस 1 का मतलब 2, एन के बदले के प्लस 1 रखा तो 2k प्लस 2 प्लस 1 और पूरे के अपॉन में 2 इंटू एन था ना एन के बदले के प्लस 1, तो यानी 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन नीचे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया k प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर, ये कर दिया हमने तब ओके। अब आप क्या करते थे इतने का जो मान था वो कहाँ से रखते थे हर क्वेश्चन में, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान रखने पर, बेटा ध्यान रहे इस बार इनके बीच में यहाँ गुणा है क्योंकि सारे पद गुणा लग के आगे बढ़ रहे थे तो ये भी गुणा लग के बढ़ेगा, तो समीकरण 2 से जब इसका मान रखा तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लगा दूंगा 1 प्लस और ये आ गया आपके पास 2k प्लस 3 पूरे के अपॉन में आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको थोड़ा और ठीक करा तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो पूरे के बाहर है ही और अंदर की तरफ कितना आ गया k प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, इधर आ गया आपके पास k प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस आ गया 2k प्लस 3, तो भाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 1 तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर आपने k प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k, 2k आ गया 4k और 3 और 1 आ गया 4, क्या इसको k प्लस 2 का होल स्क्वायर बोल दे कोई बुरी तो नहीं, ये आ गया समीकरण नंबर 3। जब बेटा आप राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या था आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1
टी के बदले रखा तो के प्लस टू का होल स्क्वायर में आ गया राइट हैंड साइड का इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गई बात, कोई लकड़े वाली बात नहीं है इसमें। तो बेटा बीच के दो तीन क्वेश्चन आप खुद प्रयास करेंगे। देखो 19वां क्वेश्चन, n n+1, ये अलग तरीके के आगे भाई n+5, n+1 n+5 संख्या 3 का एक गुणज है। संख्या 3 का एक गुणज है। देखो बेटा ये अलग तरीके क्वेश्चन आ गए, इनके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मतलब नए तरीके से समझना और कुछ नहीं। तो बेटा इसके जैसे जो क्वेश्चन है आपके, जैसा 19 है 19 के जैसे 20वां भी है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे लग रहा है एक्सरसाइज के जो थोड़े से अलग तरीके क्वेश्चन रह गए 18 और 24 रह गए बस। ठीक है, तो इनको बाद में कराएंगे। आज मुझे लग रहा है 18 24 को छोड़ के बाकी सारे कर ही लो बस, क्योंकि भाई 2 दिन हो गए, तुम्हारी छुट्टी भी लग गई और भाई मैं कल संडे में भी तुम्हें काम दूंगा, ध्यान रहे। तो बेटा n n+1 n+5 संख्या 3 का एक गुणज है। देखो बेटा संख्या 3 का एक गुणज है लिखा हुआ जाओ, या फिर क्या आ जाओ लिखा हुआ, 3 से भाज्य है। बात तो ये कि डिविजिबल है भाई। 3 के गुणज की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा रफ कार्य कर दें, 3 6 9 12 15 ये, या 3 से भाज्य, 3 से डिविजिबल, तो बात तो ये की हुई, कुछ अलग थोड़ा ही हुई। अब चलो ये बात तो आपकी समझ में आ ही गई कि 3 से भाज्य या फिर 3 का गुणज, दोनों एक ही बात है। अब इससे आगे की बात करते हैं। बेटा मुझे 9 बताओ, क्या 9 3 से भाज्य है? तुम फट कहोगे एकदम 3 से भाग करो, 3 3 9 है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई 18, क्या 18 3 से भाज्य है? 3 से भाग करो, 3 6 18। फिर मैं आपसे कहूँ 21, क्या 21 3 से भाज्य है? तो 3 से आप भाग करें, 3 7 21। समझ गए आप लोग? हालांकि तुम भी सोच रहे होंगे मजाक सी चल रही, लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, मजाक सी ही समझनी भारी पड़ जाती है। तो बच्चों यहां से इस मजाक से हम क्या समझ पाए, 3 3 9, जब आपने 9 को चेक किया कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से भाग करा, रिजल्ट कितना आया 3। 18 को चेक किया आपने 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो रिजल्ट कितना आया 6। 21 को 3 से भाग किया, चेक किया 21 को डिविजिबल है या नहीं, रिजल्ट कितना आया 7। तो क्या बेटा रिजल्ट 3 6 7 आएगा तभी डिविजिबल होगा? तुम्हारे मन में प्रश्न उठे होंगे, हालांकि मेरे तक नहीं पहुंचे, तुरंत तुमने ना कहा होगा। भाई रिजल्ट आपका 3 की जगह अगर 1 आ जाए तब भी तो डिविजिबल है। 1 कब आएगा? जब आप 3 को चेक करें 3 से डिविजिबल है तो 1, 6 को चेक करें 3 से डिविजिबल है 2, 9 को चेक करें 3 से डिविजिबल है 3। तो रिजल्ट आपका चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलो भाई आपका डिविजिबल होना चाहिए बस, रिजल्ट चाहे कुछ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्या है, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या, धन पूर्णांक होना चाहिए भाई। 1 आए काट के तब भी डिविजिबल है, 2 आए काट के तब भी डिविजिबल है, 3 आए काट के तब भी डिविजिबल है, 4 आए काट के तब भी डिविजिबल है। यानी अगर मैं लिख दूं कि जिसको भी आप चेक कर रहे हो वो 3 से डिविजिबल होने के बाद क्या है भाई, n, जहां n बिलोंग्स टू जेट, या n क्या है, एक धन पूर्णांक है। n का मान चाहे फिर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट बिठा ले, इसी का प्रयोग होना है इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब n का मान 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब मैं अगर यही थोड़ा सा बदलाव कर दूं, ये जो मैंने डैश 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 लगाया, अगर मैं यही थोड़ा सा बदलाव कर दूं, यही क्या लिख दूं, 3n, तो 3 से 3 कैंसिल, n नहीं आ गया भाई। बोलो भाई 3 से 3 कैंसिल, n ही नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं मैं ऐसा लिख दूं कि 3n क्या है भाई, 3 से भाज्य है, जहां n बराबर धन पूर्णांक, यानी 1 2 3। तो बात तो वही हुई इससे भी,
भाई थ्री एन क्या तीन से भाज्य नहीं होगा भाई, तीन से तीन कट गया, आगे आप वन आए चाहे टू आए, रिजल्ट चाहे वन आए चाहे टू आए चाहे थ्री आए चाहे फोर आए, यानी अगर कोई संख्या तीन से डिविजिबल है या तीन की गुणज है तो उसको आप 3n या 3m लिख सकते हैं, जहां m बराबर 1 2 3 4। यानी भाज्य होने के लिए वो भाग हो जानी चाहिए, बस उत्तर चाहे भाग हो के एक आ जाए, उत्तर चाहे भाग हो के दो आ जाए, चाहे तीन आ जाए, चाहे तीन आ जाए, चाहे छह आ जाए, चाहे सात आ जाए। समझ गए होंगे ये बात, हालांकि काफी कुछ बच्चे बोर भी हो गए होंगे, लेकिन बेटा ये बातें बतानी जरूरी होती है। एकदम से एक्सरसाइज कर शुरू कर देना और फिर बीच बीच में परेशान होना वो सही बात नहीं होती। तो हमारा जो क्वेश्चन था जरा चले उस पर, तो हमारा जो क्वेश्चन था एन एन प्लस वन एन प्लस फाइव, तो ऐसे है भाई तीन से भाज्य चेक करना। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, पी एन सच दैट, उन प्रश्नों से थोड़ा सा भिन्न है। सबसे पहले एन बराबर एक रखने पर, बेटा जब एन बराबर एक रखा तो एक, फिर आया एक प्लस एक, फिर आया एक प्लस पांच, फाइनली आ गया आपके पास दो गुना छह, दो गुना छह फाइनली आ गया बारह। तो बारह क्या है भाई, जो कि क्या है भाई, तीन से भाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, कथन जो है एक पर सत्य है, यहां तक की बात समझ में आएगी। उसके बाद आप लिखेंगे एन बराबर के रखने पर, तो जब आप एन बराबर के रखेंगे तो पी के सच दैट कितना आ गया, के के प्लस वन और के प्लस फाइव, ऐसे ही तो करते थे भाई। और यहाँ फिर एक लाइन लिखते थे क्या, यदि एन बराबर के पर कथन सत्य है तब एन बराबर के प्लस वन रखने पर। लेकिन आप आगे की बात अभी लिखोगे नहीं तब एन बराबर के प्लस वन रखने पर, आप केवल इसी बात पे गौर करो, यदि एन बराबर के पर कथन सत्य है तो आपको जो दिया हुआ था के के प्लस वन के प्लस फाइव तीन से डिविजिबल होगा, सत्य तो भी तो है। मैं कह रहा है एन बराबर के पर कथन सत्य है, तो के रखने पर क्या के के प्लस वन के प्लस फाइव, तो यानी के के प्लस वन के प्लस फाइव तीन से भाज्य है तभी तो सत्य है, और तीन से भाज्य है तो मतलब क्या होगा 3m, अभी नहीं पढ़ा भाई, तीन से भाज्य है इसका मतलब क्या होगा 3m, जहां m बराबर क्या है धन पूर्णांक है। ये भी बात सबको समझ में आ गई होगी, बोलो भाई, वो रफ सी वो बेवजह सी बात समझ में आ गई होगी सबके भाई। अगर एन बराबर के पर कथन सत्य है तो के के प्लस वन के प्लस फाइव तीन से डिविजिबल होगा तभी तो सत्य है, और तीन से डिविजिबल होगा तो 3m। अब m का मान चाहे वन हो चाहे टू हो चाहे थ्री हो चाहे फोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हमें पूर्णांक है। सब बच्चे ऐसा लिख देंगे, अगर पांच से डिविजिबल होता क्या लिखते 5m, अगर x प्लस वाई से डिविजिबल होता तो क्या लिखते x प्लस वाई इंटू m, आगे आएगा इसलिए बोल रहा हूं मैं x प्लस वाई इंटू m। तो बेटा अब यहां से क्या करो, इनके आपस में गुणा कर लो, तो k तो बाहर ही रहने दिया, अंदर जब इनकी गुणा करी तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। तो बेटा यहां आ गया आपके पास k के अंदर गुणा करो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m, क्लियर होगी बात। अब आप यहां एक काम कराओ, किसी एक का मान निकाल के छोड़ दो, जैसे सबसे बड़े का निकाल दो तो भी अच्छा ही है, एक जैसा करेंगे सब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां से अगर आप k क्यूब का मान निकालते हैं तो k क्यूब का मान आ गया यहां से फाइनली k क्यूब इज इक्वल टू कितना है, k क्यूब इज इक्वल टू 3m माइनस 6k स्क्वायर, तो बेटा माइनस 5k। भाई तुम भी चेक कर लेना, देखो गड़बड़ किसी से भी हो सकती है, k क्यूब इज इक्वल टू 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k, इस पे डालेंगे समीकरण दो। वहां क्या करते थे आप, लिखते थे यदि n बराबर k पर कथन सत्य है और तुरंत समीकरण डाल देते थे, यहां नहीं सत्य है तो उसके बाद फिर आप लिखेंगे जैसे हमने यहां लिखा k k प्लस वन k प्लस फाइव सत्य है तो तीन से डिविजिबल होगा तो 3m, फिर इनके आपस में गुणा करी और आपने यहां से k क्यूब का मान निकाल दिया। जरूरी नहीं आप k क्यूब का ही निकालो, k स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, वो तो इसलिए मैंने ताकि सारे बच्चे एक जैसा करें, सबसे बड़े का मान निकाल के छोड़ दिया। अब अगले पेज पर चलते हैं, तब n बराबर k प्लस वन रखने पर, तब n बराबर k प्लस वन रखने पर, तो भाई n बराबर k प्लस वन रखने का मतलब पी के प्लस वन सच दैट, और क्वेश्चन जो था आपका n n प्लस वन n प्लस फाइव, तो n का मतलब k प्लस वन, और इसके बाद क्या था भाई
n plus 1, n plus 1 का मतलब क्या है भाई, k plus 2, और फिर कितना था, k plus n plus 5, तो यानी k plus 6 हो गया, तो गाइस को थोड़ा ठीक करें, इसी की तो जांच करनी, कि ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, अब इनकी जरा आपस में गुणा कर लो, पहले k plus 1, k plus 2 की कर ले, तो k square plus 2k plus k plus 2, और यहां आया आपके पास k plus 6, तो बेटा ये आया k square plus 3k plus 2, यहां आया k plus 6, तो k plus 6 के अंदर गुणा कर दें, तो जब k के अंदर गुणा करी तो k cube plus 3k square plus 2k, 6 की गुणा करी, 6k square, 18k, और plus 6 दोनी 12, ठीक है भाई, तो यार गुणा में भी थोड़ा देख लिया करो भाई, क्योंकि गड़बड़ तो नहीं होगी, पहले k की करी तो k cube plus 3k square plus 2k, 6 की करी 6k square plus 18k, और plus 6 दोनी 12, अब बेटा देखो थोड़ा और ठीक कर लो, k cube और प्लस ये देखो 3k स्क्वायर ये रे 6k स्क्वायर ये रे 6 और 3 9k स्क्वायर k ढूंढो 2k और 18k ये हो गया 20k प्लस 12 ठीक होगी बात अब बेटा ये k क्यूब का मान आपने निकाल के पहले तैयार रख रखा तो समीकरण 2 से मान रखने पर तो भाई k क्यूब का मान कितना था देखना पड़ेगा भाई एक बार जरा पीछे तो मान रख दिया हमने 3m - 6k स्क्वायर - 5k और प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k और प्लस 12 ठीक होगी बात यहां तक अब क्या करा हमने भाई 3m और देखो माइनस 6k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर तो प्लस 3k स्क्वायर माइनस 5k 20k प्लस क्या आ गया 15k और प्लस 12 क्या पूरे क्वेश्चन में से 3 कॉमन नहीं आ रहा तो m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 तो बेटा जब 3 बाहर आ गया अब यू चाहे कुछ भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई 3 से डिविजिबल है जब हिसाब डिवाइड 3 का 3 से 3 कटे उत्तर तो कुछ भी हो ये चीज तो तुम पहले ही सिद्ध कर चुके उत्तर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो तो इसका मतलब क्या हुआ अर्थात यह 3 से डिविजिबल है समीकरण 3 4 जो भी है वो डाल दे और लिख दे फिर समीकरण 1 2 3 4 से दिया गया कथन सत्य है तो बेटा आज आपको मैंने काफी काम दे दिया आपको तुम्हें करना ही करना है प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा मैं इंतजार करूंगा रात रूप तक तुम लोग अपना काम भेजे ताकि मैं कल फिर और काम तुम्हें दे सकूं।